गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के टीचिंग में आपका स्वागत है। माय नेम इज नरेंद्र कुमार और मैं आपको 10th क्लास की जो पोइम है उसका जो टाइटल है ए टाइगर इन द जू, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसका जो पोइट है वो लेजली नॉरिस, जिसने इसको लिखा है। ही स्टार्स इन ह्यूज ट्रीज, वह स्पष्ट रंग की पट्टियां जो काले रंग की पट्टियां हैं येलो स्किन के ऊपर उनके सहित वह पिंजरे के अंदर स्टार्स चहल कदमी करता है। विविध का मतलब होता है स्पष्ट स्ट्रिप्स पट्टियां, साफ दिखाई देने वाली पट्टियां जो उसके शरीर पर हैं उनको लेकर वो चहलकदमी करता है। धीरे धीरे चलता रहता है पिंजरे के अंदर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वह पिंजरों के अंदर कुछ कदम अपने आगे की ओर बढ़ाता है। ओन पैड्स, किस प्रकार से बढ़ाता है, उसके जो पंजे हैं उसके नीचे जो पैड्स गतियां हैं वो बिल्कुल मखमल जैसी है, वेलवेट है और बिल्कुल शांत अवस्था में वो कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे आता है। इट इज क्वाइट रेंज, और जो उसका गुस्सा है वो बिल्कुल शांत है। टाइगर अवस्था में देखा जाता है कि बिल्कुल शांत अवस्था में रहता अक्सर गुस्से में रहता है, लेकिन यहाँ जो पिंजरे में उसकी हालत है वो बिल्कुल एक कैदी की तरह है और वो बिल्कुल गुस्सा शांत किए हुए है और पिंजरे के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। दोबारा देखिए पंजा को, फर्स्ट को ही स्टार्ट्स इन हिज ह्यूज स्ट्रिप्स, वह स्पष्ट पट्टियों सहित पीले रंग की चमड़ी के अंदर जो स्पष्ट पट्टियां हैं काले रंग की उनको लेकर चहलकदमी करता रहता है। फ्यू स्टेप्स इन केज, पिंजरे के अंदर कुछ कदमों को आगे बढ़ाता है। और ऑन पैड्स ऑफ हिज वेलवेट, और जो उसके जो गद्दियां हैं पंजे के नीचे जो गद्दियां हैं पैड्स उनको वेलवेट जो कि मखमली है उनको शांत अवस्था में बिना गुस्से के अंदर है और उनके सहित वो चहलकदमी करता है। इन हिज क्वाइट रेंज, बिल्कुल उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत है। सेकंड स्टंजा के अंदर पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो जंगल में कैसा होता है, उसके बिल्कुल नेचर बिल्कुल बदले मिलेंगे, उसके आचार भाव बिल्कुल अलग मिलेंगे क्योंकि जंगल के अंदर खुली अवस्था के अंदर है, भाव मनमानी भी कर सकता है। इसलिए लड़की इन शैडो, अपने आपको छाया के अंदर छुपाए हुए मिलेगा, बड़े पेड़ की छाया के अंदर वो छुपा हुआ मिलता दिखाई देगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के अंदर से खिसकता हुआ दिखाई देगा। नियर द वाटर होल, और अधिकतर किस स्थान पर पाया जाता है, जहां पर की पानी का स्रोत हो, जहां पर पानी पाया जाता है वहां पर वो खिसकता हुआ छुपता हुआ दिखाई देगा। वेयर प्लम डियर पास, और जहां से की मोटे ताजे हिरण है वो गुजरते हुए दिखाई देते हैं और वहां पर जरूर मिलेगा क्योंकि भोजन और पानी दोनों चीजें उसको वहां पर आसानी से मिल जाती है, तो वहां छुपा हुआ बैठा रहता है। हर संध्या स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के आसपास गुर्राता हुआ नजर आएगा। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर वह दिखाई दे सकता है। बेरिंग इन व्हाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है नुकीले दांत, इसकी जो सफेद और नुकीले दांत है उनको चमकाता हुआ, हिज क्लॉज, अपने पंजों को चमकाता हुआ। टेरोराइजिंग द विलेज, वहां पे जो गांव के लोग हैं उनको आतंकित करता हुआ, उनको भयभीत करता हुआ दिखाई देगा ये। तो ये सब दोनों जो स्टंजा है वो खुले में जंगल के अंदर जो टाइगर की अवस्था है, टाइगर का जो नेचर है वो बताया गया है इसके अंदर। हर स्टंजा फिर से देख लीजिए एक बार। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घर के आसपास गुर्राता हुआ नजर आएगा। एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर वह दिखाई दे सकता है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने जो सफेद रंग के जो नुकीले दांत हैं उनको चमकाता हुआ नजर आएगा। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता हुआ नजर आएगा। टेरोराइजिंग द विलेज, और ग्रामीण के लोगों को टेरोराइज, टेरोराइज इनका मतलब होता है भयभीत करना, भयभीत करता हुआ दिखाई देगा। तो आपने ये पोइम पढ़ी होगी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है कि नेम ऑफ द पोइम एंड द नेम ऑफ द पोइट। द नेम ऑफ द पोइम इज टाइगर इन द जू, नेम ऑफ द पोइट इज लेजली नॉरिस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द, राइम स्कीम ऑफ द पोइम। तो जो राइम स्कीम है पोइट की वो हम स्टंजा के एंड से पता लगाते हैं कि स्टंजा का एंड किस वर्ड पर हो रहा है। तो इस स्टंजा का जो फर्स्ट स्टंजा का जो एंड है वो स्ट्रिप्स पर हो रहा है, तो हमने इसको फर्स्ट ए दे दिया है। और जो सेकंड लाइन है उसका केज, क्योंकि जो इसे मैच बिल्कुल नहीं करता है उसको हमने बी नंबर दिया है। ऑन पैड्स ऑफ हिज वेलवेट पाइप, और जो थर्ड लाइन है स्टंजा की वो क्वाइट, वो भी किसी से मैच नहीं करती, तो सी, यानी कि तीनों लाइनें किसी से मैच नहीं करती, ए बी सी दिया हमने इसको। अब लास्ट जो लाइन है रेज, वो मैच करते केज से, तो हमने इसको केज के अकॉर्डिंग इसको बी नंबर दिया। तो इसका जो राइम स्कीम है इस पोइम का वो ए बी सी बी, ये इसका राइम स्कीम होगा। और दूसरा जो सेकंड स्टंजा है उसके अंदर का अगर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अगर हम देखें शैडो, उसको हमने ए नंबर दिया। सेकंड लाइन ग्रास जो कि बिल्कुल मैच नहीं करता फर्स्ट लाइन से, उसको हमने बी नंबर दिया। थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है होल, वो भी मैच नहीं करता, उसको हमने सी नंबर दिया। और जो पास
वर्ड है वो ग्रा से मैच करता है यानी बी बी से मैच करता है, तो इसकी जो राइम स्कीम होगी ए बी सी बी। थर्ड स्तंजा पर आ जाइए, थर्ड स्तंजा का जो लास्ट वर्ड है वो हाउसेज है, उसको हमने ए नंबर दिया, और जो थर्ड स्तंजा की जो सेकंड लाइन है एज जो कि इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है उसको हमने बी नंबर दिया। थर्ड लाइन को अगर हम देखें यानी क्लास क्लास वो भी मैच नहीं करता है इनसे, उसको हमने सी नंबर दिया। जो लास्ट लाइन है विलेज जो कि मैच करता है एज एज विलेज, तो उसको हमने बी नंबर दिया। तो इसका तीनों स्तंजा के अंदर हमने एक बात देखी कि इसका जो राइम स्कीम निकल कर आता है वो आता है ए बी सी बी। तो ये राइम स्कीम जरूर ध्यान से लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम के अलावा राइम वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। राइम वर्ड्स की जहां तक बात आएगी तो इस फर्स्ट स्तंजा के जो राइम वर्ड्स हैं वो केज और रेज, ये राइम वर्ड्स हैं। सेकंड स्तंजा में जो राइम वर्ड्स हैं वो आपको जो दिखाई देगा यहां पर वो मिलेगा आपको ग्रास और पास का जो वर्ड है इनका राइम स्कीम इससे राइम वर्ड्स इससे मैच करता है। और जो लास्ट स्तंजा थर्ड स्तंजा जो है उसका जो मैच करता है एज और विलेज से। तो ये राइम वर्ड्स से थे, राइम स्कीम मैंने आपको बता दी है, इसका नेम होता पोइट और पोइम आपको बता दिया गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। और समझ में आने के बाद कम से कम आपको क्या करना है कि इसको अपना मोबाइल से क्लिक करके ओके करके कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।